नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने विजयादशमी के पर्व पर बधाई देते हुए कहा था कि अन्याय और अहंकार की ताकतें हमेशा पराजित होती रही है और आगे भी पराजित होगी। न्याय और सत्य की ही जीत होती है, हमेशा न्याय और सत्य की ही जीत होती है। अहंकार किसी का टिकता नहीं, ना अभी टिकेगा ना आगे टिकने वाला है। उत्तर प्रदेश में जैसा माहौल है तानाशाही का, अहंकारी सरकार का, और बहु बेटियों के साथ इतना घिनौना कृत्य होता है, फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। उत्तर प्रदेश में आज अभी जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। उसी में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बधाई देते हुए कहा कि विजयादशमी के पर्व पर अन्याय और अहंकार की ताकतें हमेशा पराजित होती है और ये भाजपा सरकार भी एक ना एक दिन पराजित होके 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाएंगे। पहले जो समाजवादी सरकार थी, तब समाजवादी लोगों ने जो काम किए थे उसी के ही काम को दोहराते हुए उससे भी ज़्यादा काम करके उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम करना है। अखिलेश यादव जी ने आगे कहा कि विजयादशमी पर्व का यही संदेश है कि नकारात्मक सोच और सामाजिक सौहार्द को हानि पहुंचाने वाली ताकतों का विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर विरोध करते हैं तो उनके पुलिस लाठियां बरसाते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और काफी लोगों को लाठियां बरसा के काफी चोटिल किए हुआ है, किसी किसी का सिर भी फूटा हुआ है। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्षों के लिए जानी जाती है और समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव तक जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फैला के रखा है उत्तर प्रदेश में, उसके सामने लड़ती रहेगी। चाहे लाठियां बरसा हो, चाहे कुछ भी बरसा हो, एक एक खून का कतरा समाजवादियों का अखिलेश यादव के नाम है और समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्षों की पार्टी रही है। हमें विजयादशमी का पर्व मिलजुल कर मनाना चाहिए। अन्याय, अनीति और उत्पीड़न करने वालों को समाज कभी मान सम्मान नहीं देता। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अराजकता फैलाने का काम करती है, हमेशा झूठ बोल बोल के सत्ता में आती है। झूठ बोल के 2017 में स्मशान और कब्रिस्तान की बात करके वो सत्ता में आई। किसी को भरोसा नहीं था कि 300 सीट ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इतिहास रचा था पर लेके चली गई और तानाशाही सरकार बना के बैठी है। ना किसी का सुनना है, ना किसी का देखना है। जो हो रहा है उसको होने दो और अपनी वाहवाही करो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं, अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, हमेशा आवाज उठाते हैं, पर तानाशाही सरकार सुने तब ना। दोस्तों, आज ये सब ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर अन्याय और अहंकार की ताकतें हमेशा पराजित होती रही है। रावण का भी अहंकार रहा नहीं था कि भाजपा सरकार का रहेगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आपको भी राज धनेशा समाजवादी चैनल की तरफ से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।